हेलो दोस्तों, टारगेट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज न्यू सीरीज़ आपके लिए वापस लेकर आया हूँ, रीजनिंग की, जिसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका मुझे बहुत ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका साथ मेरे साथ बना रहे। आज मैं कुछ नए क्वेश्चंस लाया हूँ जो आने वाली एग्ज़ाम्स SSC GD और रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड। इस टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है शेडो बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें बोला जाता है कि छाया बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें ये बोला जा रहा है कि एक सुबह उदय और विशाल एक दूसरे की देखते हुए एक क्रॉसिंग के पास बात कर रहे थे। वो एक दूसरे की ओर देखते हुए क्रॉसिंग के पास बात कर रहे थे। उस समय विशाल की छाया उदय के बाईं ओर थी। तो बताना है कि उदय किस दिशा में देख रहा है। तो यहाँ पर हमें चूंकि पता है कि सुबह का समय है, और जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके शेडो बेस्ड क्वेश्चंस में, वो दो ही टाइप के आते हैं। एक तो आते हैं सुबह के समय और एक आते हैं शाम के समय या संध्या के समय। तो जो शेडो सुबह के समय, आप सभी को पता है कि जो सन होता है वो पूर्व दिशा से राइज होता है। तो यहाँ हमारा जो डायरेक्शन होगा ये पूर्व दिशा होगी हमारी, और इधर जो होगी वो पश्चिम दिशा होगी। ठीक इसके ऊपर उत्तर दिशा होगी और इसके नीचे दक्षिण दिशा होगी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब भी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख होगा तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का हैंड होता है वो लेफ्ट साइड इस साइड से होगा और राइट ये होगी। इसी तरीके से जब दक्षिण की तरफ मुख होता है तो व्यक्ति का राइट इधर हो जाता है और व्यक्ति का लेफ्ट इधर हो जाता है। तो यहाँ पर जो शेडो बनेगी, इन दो व्यक्तियों की शेडो इस साइड बनेगी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि उदय का बायां उदय किस तरीके तब खड़ा करें उसे कि उसका बायां इस साइड हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उदय का मुख अगर ऊपर की साइड करते हैं तो उदय का मुख अगर उत्तर दिशा में करेंगे तो उदय का बायां इस साइड आएगा। मतलब उदय का मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ठीक है, इसी तरीके से जो अगला व्यक्ति है विशाल, उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? उसका मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर हमें जो आंसर्स मिलते हैं, जब भी दायां या बायां अगर बोला जाता है कि दाएं गिर रही है या बाएं गिर रही है, तो हमेशा जो आंसर्स निकलेंगे वो हमेशा दो ही आंसर्स निकलेंगे, या तो उत्तर निकलेगा या दक्षिण निकलेगा। ठीक है दोस्तों, होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा, इसमें हमें एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बोला जाता है। इसमें हमें यह बताना है कि जिस तरीके से छाती का जो रिलेशन है बरसात से, उसी तरीके से हमें बताना है स्वेटर का रिलेशन किससे होगा। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए छाता बरसात, मतलब बरसात में हम क्या यूज करते हैं? छाता। उसी तरीके से स्वेटर कब यूज किया जाता है? दोस्तों स्वेटर हम यूज करते हैं सर्दियों में, विंटर में। तो यहाँ पर जो आंसर्स होगा वो सी डी जो है आपका सही आंसर्स होगा। तो इसका राइट आंसर है सर्दी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि है इसी तरीके से एक और दिया हुआ है कि खिलाड़ी, जिस तरीके से खिलाड़ी जो है टीम में होते हैं, उसी तरीके से मंत्री किस विभाग में होते हैं, मतलब किस में होते हैं? सेना में होते हैं? नहीं, सेना में नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रुप मंडली में कभी भी मंत्री नहीं होते, भीड़ में मंत्री नहीं होते, मंत्री किस में होते हैं? परिषद में। तो यहाँ पर जो मंत्री का जो राइट आंसर होगा, मंत्री होंगे परिषद में। ठीक है दोस्तों, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काउंसिल्स, मंत्री किस में होंगे? काउंसिल में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये दिए गए विकल्पों में से हमें विषम चुनना है, कि इन चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें है बहन, भतीजा या भांजा, और सी ऑप्शन से हमारा बेटी, और फोर्थ ऑप्शन से हमारा आंटी। तो यहाँ पर देखिए कुछ सिमिलरिटीज देखिए कि बहन जो कि एक फीमेल पर्सन से, बेटी बेटी भी एक फीमेल पर्सन है,
उसी तरीके से आंटी, आंटी भी क्या है, एक फीमेल है, पर यहाँ पर भतीजा और भांजा मेल पर्सन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर्स होगा वो बी, बी एक विषम है। ठीक है, इस तरीके से आपको विषम पद एग्जाम्स में चुनना होते हैं। ये एसएससी जीडी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको डिफरेंट पता करना होता है कि कौन एक अलग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भतीजा राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाता है और उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर, उत्तर को हम क्या बोल रहे हैं, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व हमेशा कहाँ होता है, ये होता है हमारा पूर्व और ये होता है दक्षिण। तो यहाँ पर जो ये वाली डायरेक्शन है ये होगी दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर उत्तर को यदि दक्षिण पूर्व कह रहे हैं, मतलब हम कितना चल रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं 135 डिग्री। तो यहीं पर हमें उत्तर पूर्व, जो कि होता है उत्तर और पूर्व के बीच में, ये होता है उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व से हम 135 कहाँ रोटेट होंगे, क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर हम उत्तर से क्लॉकवाइज रोटेट हुए थे। तो यहाँ पर भी हम उत्तर से क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर टोटल 135 रोटेट करेंगे तो किस दिशा में आ जाएंगे हम, दक्षिण दिशा में। तो इसका जो आंसर होगा वो दक्षिण दिशा राइट आंसर होगा, जो कि साउथ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हाँ, इनमें हमें विषम संख्या चुननी है कि इन चार संख्याओं में से कौन सी संख्या विषम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिकल देखिए कि 29 29 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से 17 भी डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर देखिए 24 24 एक भाज्य संख्या है, जो 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है। और 13 13 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो विषम है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमारा एक राइट आंसर है। बढ़ते हैं इसी तरीके के अगले क्वेश्चंस की ओर। ये कुछ अलग क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ये बताया गया है कि जो क्रिएशन शब्द है, इस शब्द से इन चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, रेशन, रेशन हम बना सकते हैं, RATIO रेशन हम बना सकते हैं, केशन CATION ये भी बना सकते हैं, पर TORN ये नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आर है वो सिंगल है और यहाँ पर डबल आर दिए हुए हैं, इसलिए जो हमारा विषम होगा वो टोर्न होगा, मतलब TORN हम इस वर्ड से, क्रिएशन से नहीं बनाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि है हमारा कोऑपरेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब हमें ये बताना है कि कोऑपरेशन जो वर्ड है, ये कोऑपरेशन वर्ड है, इसमें अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जो ABCD में भी जो अल्फाबेट होते हैं उसी प्लेस पर आ जाए, जैसे B के बाद 2 छोड़कर D आता है, मतलब B के बाद C और C के बाद फिर D आता है, मतलब यहाँ पर भी वही कम है और यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर जो सी की प्लेस वैल्यू 53 है, ओ की 15, फिर ओ की 15, फिर 16, फिर 5, फिर 18, फिर 1, फिर 20, फिर आई है तो यहाँ पर 9, और फिर वापस 15 और 14। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सी से, सी से देखते हैं, तो सी से कोई नंबर्स नहीं बनेगा क्योंकि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा है। ओ से देखते हैं, तो ओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा है, इस ओ से बन रहा है, ओ से पी, ओ के बाद पी आता है। ठीक है, इसी तरीके से PQR बन रहा है और यहाँ से O से R भी बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना बना, एक तो ये, दो ये और तीन ये। फिर देखिए R से RST ये बना है, RST,
तो ये बन गया चौथा। फिर इस तरीके से इनसे भी बन जाएगा, पी से टी पांचवा और ओ से टी छठा, छह बन गए। अब देखिए यहाँ पर ई एफ जी एच आई, ई से आई कितने बन गए हैं सेवन, और जो नेक्स्ट है एन से ओ, मतलब एन से ओ आता है तो ये बन गया आठ। तो ऐसे कितने युग्म मिले हमें, मोर देन सिक्स, मतलब कि छह से अधिक युग्म हमें मिले हैं, जो कि आठ युग्म बन रहे हैं कोऑपरेशन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि है सीरीज, नंबर सीरीज से बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। देखिए इस नंबर सीरीज में किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो इसमें जब भी कोई सीरीज आती है तो हमें सबसे पहले जो अप्रोच रखनी होती है वो रखनी होती है पैरामेडिकल अप्रोच, जिसमें हम ये देखते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है। पाँच से छः एक का डिफरेंस है, छः से आठ दो का डिफरेंस है, आठ से बारह चार का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए वन में टू का मल्टीप्लाई किया तो टू आया, और टू में टू का मल्टीप्लाई किया फोर किया, फोर में फिर क्या करूँगा टू का मल्टीप्लाई किया तो इसमें जो डिफरेंस आया वो एट आया, और फोर टू ज़ा एट होता है। इसी तरीके से बीस, इसका कितना दुगना है सोलह, तो यहाँ पर जो नंबर्स आएगा वो बीस और सोलह को एड करेंगे तो कितना आएगा छत्तीस। तो यहाँ पर जो आंसर्स होगा वो छत्तीस हमारा आंसर्स होगा। और अगला जो है अड़सठ, वो किस तरीके से आएगा इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है छत्तीस और सोलह दूनी बत्तीस इनका डिफरेंस होगा। तो आठ में से छः गए तो दो और छः में से तीन गए तो तीन। तो यहाँ पर हमारा जो सीरीज था वो ब्रेक हो चुका है। होप ये जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं जो सीरीज लेकर आया हूँ कैसे लग रही है, और इसी तरीके से मैं अभी ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह के भी लेक्चर्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकूँ। थैंक यू दोस्तों।